गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, मैं एक बार फिर से आरके सर आपके सामने एक आपकी जो बुक है सेवन्थ क्लास का एक चैप्टर लेके आया हूँ, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। एक वर्ड यहाँ लिखा है फाइबर्स, रेशा तंतु जो होता है वो एनिमल्स से हमको कैसे मिलता है, आज इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स वाले में। इसमें इस चैप्टर में कुछ हेडिंग जो दिए हुए हैं, लिखा हुआ है एनिमल फाइबर जो मिलना है हमको, जैसे वूल और सिल्क होता है, और रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स, यानी शिप्स के ऊपर जो हम उसका जो ऊपर का ऊन का जो पार्ट होता है उसको उतारने की जो बात कर रहा है, वाशिंग एंड स्कोरिंग, उनको धोना और फिर उनको अलग करके साफ करके एक तरफ लाना। तो चलिए बात करते हैं एनिमल फाइबर्स। एनिमल से जो फाइबर हमको मिल रहा है वो है वूल एंड सिल्क। वूल, डब्ल्यू डबल ओ एल, वूल एंड सिल्क, एंड सिल्क एस आई एल के, ये पार्ट हमको मिलता है वूल एंड सिल्क। मैं आपको एनिमल फाइबर्स की एक पिक्चर दिखा देता हूँ अभी। अब आप देखेंगे यहाँ पे एनिमल फाइबर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, वूल की एक पिक्चर दिखाई दे रही है और सिल्क की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये जो वूल और सिल्क की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसी बारे में हम आज चर्चा कर जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथिंग मटेरियल। कह रहा है जो एनिमल के जो फाइबर्स होते हैं, एनिमल के जो फाइबर्स होते हैं वो कपड़ा बनाने के काम आते हैं, हमारे जो कपड़ा बनता है उसके बनाने के काम आते हैं। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल। और ये जो वूल एंड सिल्क हैं, मैं कुछ एनिमल आपको दिखा दे रहा हूँ जिनसे वूल एंड सिल्क आपको मिलेंगे। यहाँ पर कुछ एनिमल दिखाई दे रहे हैं, आप देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, इनसे हम वूल और सिल्क हमको मिलता है। एंड दैट इज़ वाई दीज एनिमल आर कॉल्ड फाइबर्स या फाइबर्स फ्रॉम एनिमल। इसलिए इस चैप्टर का नाम फाइबर्स फ्रॉम एनिमल लिखा गया है, क्योंकि जो आपको स्क्रीन पे मैंने अभी दिखाया था या जो आप देख रहे हैं वो एनिमल, इन एनिमल से हम फाइबर और सिल्क हमको मिलता है। तो कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग वूल के बारे में कि वूल क्या चीज़ है। वूल इज़ कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप। ये जो शिप की बात कर रहा है, शिप आपका जो शिप होता है SHEEP शिप, हेयर इसके, या गॉट आपकी होती है GOAT गॉट, या फिर कैमल की बात करें हम CAMEL कैमल, कैमल। ये तीनों जानवर आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए आप शिप, गॉट और एनिमल, अभी आप ध्यान से देखिएगा शिप, गॉट एंड एनिमल, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है इसी से कह रहा है दीज एनिमल आर देयर फॉर कॉल्ड वूल यील्डिंग। वूल यील्डिंग एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब इनसे हमको वूल, जो आप ऊन जिसको बोलते हो, जिससे आपका कंबल भी बनता है, जिससे आपकी गर्म चादरें भी बनती हैं, जिससे आपका स्वेटर भी बनता है, तो उसका जो रेशा होता है वो हमें इन जानवरों से प्राप्त होता है। एंड दीज वूल यील्डिंग एनिमल हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। इन जानवरों के ऊपर जो बाल होते हैं, जो आपको बाल दिखाई दे रहे थे, उन बालों को हम क्या करते हैं, उसी को यूज करते हैं। एंड वूल फाइबर इज हाईली पोर्स एंड एयर इन दिस पोर्स। ये जो वूल फाइबर होते हैं इनके अंदर अब होल्स की तरह बिल्कुल बारीक स्पेस होता है, पोर्स जिनको हम बोलते हैं, और इसी के अंदर जो होता है एयर इन द पोर्स एक्ट एज द इंसुलेटर। इसी के अंदर एयर, वैक्यूम एयर रहती है और एक वैक्यूम का काम करती है, तभी तो हम गर्म जब भी कपड़ा पहनते हैं बेटा तो हमको जो बाहर की ठंडक है वो महसूस नहीं होती है, इंसुलेटर काम करता है। एंड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू गो आउट, हमारी अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता और बाहर की ठंडक को वूल ये अंदर नहीं आने देता, एज ए इंसुलेटर काम करता है। एंड दस हेयर ऑन द बॉडी ऑफ दिस एनिमल कीप देम वार्म ड्यूरिंग कोल्डर कंडीशन एंड वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंटर क्लोथ। इसीलिए हम क्या करते हैं, सर्दियों के अंदर गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों के अंदर ठंडे कपड़े पहनते हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें वूल यील्डिंग एनिमल्स की कि किन किन से हमको मिलता है, तो मैंने कुछ जानवर यहाँ लिखे थे, शिप, गॉट, कैमल, याक भी हो सकता है, याक मैं अभी आपको पिक्चर में दिखा दूंगा, याक, या फिर रैबिट। रैबिट का भी बहुत यूज होता है इसके अंदर, RABBIT रैबिट से जो वूल मिलता है, अंगोरा, जो अंगोरा वूल होता है एक वैरायटी होती है वो हमें रैबिट से मिलता है, बहुत मखमल, बहुत सॉफ्ट होता है बेटा वो,
या फिर अल्पाका से भी हमको मिलता है। कुछ जानवर मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ पिक्चर से, जिसके अंदर आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, शिप आपको दिखाई दे रही हो पिक्चर में, याक दिखाई दे रहा होगा, गॉट आपको दिखाई दे रही होगी, और आपको कैमल दिख रहा होगा बेटा यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसे हैं, और कश्मीरी गॉट भी एक आती है जिसका वूल बहुत ज़्यादा होता है, हमारे इंडियन से ज़्यादा उसके शरीर पर बाल होते हैं, इसलिए ज़्यादा वूल वहाँ से निकल सकता है। तो इस तरह से हमने देखा आज कि बहुत सारा वूल हम एनिमल से कैसे, ये जो फाइबर है एनिमल से कैसे हमको मिल सकता है। अब कुछ बातें हम कर लेते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। जो हमको फाइबर मिलता है, ये रेशा तंतु मिलता है, इनसे हम वूल बनाने का हमारा क्या प्रोसेस है। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फ्रॉम फाइबर्स FIBRES, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब इनसे जो वूल बनाने का प्रोसेस है, थोड़ा उसके बाद जानते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल लर्न अबाउट दिस। ये बताया इसने, कह रहा है गेटिंग वूल फाइबर फ्रॉम शिप इन्वॉल्व्स द स्टेप गिवन बिलो। ये वाले स्टेप जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, ये कुछ स्टेप हैं, जो स्टेप से हम प्रोसेस से होकर गुजर जाते हैं तो हमें फाइबर से वूल मिलता है। पहला मैं लिख रहा हूँ आपको ब्रीडिंग ऑफ शिप, ब्रीडिंग BREEDING, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ शिप SHEEP, ब्रीडिंग ऑफ शिप पहला। दूसरा है शेयरिंग, दूसरा प्रोसेस बेटा है शेयरिंग SHEARING, शेयरिंग। और तीसरा है बेटा इसके अंदर वॉशिंग, वॉशिंग WASHING, तीसरा है वॉशिंग। और चौथा है शॉर्टिंग, फोर्थ पॉइंट ये है शॉर्टिंग। फिफ्थ पॉइंट है आपका बेटा कार्डिंग, CARDING, कार्डिंग। और सिक्स पॉइंट है आपका डाइंग, DYEING, डाइंग। और सेवन्थ पॉइंट बेटा आपका है, ये है वीविंग, बुनना, WEAVING, वीविंग। तो ये सात पॉइंट हैं, ये सात ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे फॉलो करके हम लोग फाइबर से वूल प्राप्त करते हैं बेटा। तो ये सातों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, ब्रीडिंग है आपका, शेयरिंग है, वॉशिंग है, उसके बाद आपका शॉर्टिंग है, कार्डिंग है, डाइंग है, और लास्ट में वीविंग है। तो ये सातों प्रोसेस से होके ही हम फाइबर से, एनिमल फाइबर से वूल मिलेगा। नेक्स्ट के अपने लेक्चर में हम लोग इन पर डिटेल में बात करेंगे कि ब्रीडिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, वॉशिंग क्या होता है आपका, उसके बाद शॉर्टिंग, कार्डिंग, डाइंग और वीविंग क्या होता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मैं आर के सर इसी बात के साथ आपसे आज विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट अपने लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।